हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय सीआई चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्रिक मशीनरी 230 mm थिकनेस की और 115 mm थिकनेस की लेबर एफिशिएंसी, लेबर कॉफिशियंट, लेबर कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर फीट। ठीक है, इस वाले टॉपिक में अगर हम देखें तो इसमें बात करेंगे ब्लॉक मशीनरी, क्योंकि कहीं कहीं ब्रिक चलता है तो कहीं ब्लॉक भी चलता है, तो ब्लॉक का भी कोफिशियंट हमें पता होना चाहिए। अगर कहीं हम काम करने वाले हैं तो कैसे पता करेंगे कि 1 क्यूबिक मीटर ब्लॉक में कितनी लेबर लगनी चाहिए, तो ये जानना भी बहुत जरूरी है। जो मेरे पिछले वीडियो उनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा प्ले लिस्ट का, उसमें से देख लेना आप, और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, कार्ड है ऊपर में उसको देख लेना आप। अगर मेरा वीडियो आपने लाइक नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे और आपकी नॉलेज गेन होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, प्रोजेक्ट हमारा वही रहेगा जो मैंने बताया था आपको, प्रोजेक्ट हमारा यही है। इसी के अंदर में 1000 क्यूबिक मीटर ब्लॉक वर्क लग रहा है, ब्लॉक का यूज हो रहा है, तो उसका कैसे हम कॉफिशियंट निकालेंगे, कैसे लेबर कॉस्ट निकालेंगे। ये हमारा ब्लॉक मशीनरी है 1000 क्यूबिक मीटर, ये सारी क्वांटिटी हमारी है। तो हमने एक्सकवेशन के बारे में बात किया, बैकफिल, पीसीसी, आरसीसी, शटरिंग, स्टील, एमएस स्ट्रक्चर, 230 mm ब्रिक मशीनरी, 115 mm ब्रिक मशीनरी। आज बात करेंगे ब्लॉक मशीनरी के बारे में। तो ये हमारी क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हम अपना मैन शीट में जो है पुट कर देंगे। ये हमारी 1000 क्यूबिक मीटर ब्लॉक मशीनरी है। तो देखो, ये हमारा कॉफिशियंट है, हमारा कॉफिशियंट जो है 4.27 क्यूबिक मीटर ब्लॉक मैसनरी, सॉलिड ब्लॉक मैसनरी का ये है, मैसन है 2.5, ये है 4.27 क्यूबिक मीटर ब्लॉक मैसनरी का। ठीक है, 2.5 मेल कुली, 1.75 फीमेल, 1.75 वाटरमैन, 0.2, ये 4.27 क्या है, तो 1 का निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, 4.27 से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल के आ गया। आपको ये याद कर रखना है, ये मेन चीज है। ठीक है ना, 1 क्यूबिक मीटर ब्लॉक मैसनरी का कॉफिशियंट ये है, इसको ध्यान रखना है। टोटल क्वांटिटी हमारी ये है, टोटल मैन पावर हम सेम जैसे अभी तक निकालते हैं वैसे निकालेंगे, इसको टोटल क्वांटिटी को इसके कॉफिशियंट डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मैन पावर निकल के आ जाएगा। मैस इन टोटल 585 निकल के आ गए, और मेल कुली हमारे 410, फीमेल कुली 410 और वाटरमैन 47, ये टोटल हमारी मैन पावर निकल के आ गई 1452। 2 महीने का हमने टारगेट लेके चला है कि 2 महीने के अंदर में हमने ये 1000 क्यूबिक मीटर खत्म करना है, ये हमने टारगेट ले लिया, ये हमारा प्लानिंग है, टाइम लाइन हमारी है। तो पर डे निकल के आएगा हमारा, सीधे सीधे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, इस टोटल क्वांटिटी को मैन पावर की को नंबर ऑफ डेज डिवाइड कर देंगे। पर डे हमारा 10 मैसन लगेगा, मेल कुली हमारा 7 लगेगा, फीमेल को लिए 7 लगेगा, वाटरमैन 1 लगेगा, ये हमारा लेबर का कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट मैसन का निकल के आ गया 4,68,000, ये 2 लाख आ गया मेल कुल का, फीमेल कुल का 2 लाख आ गया, वाटरमैन का 23,000 रुपए, 23,419 रुपए ये निकल के आ गया। टोटल कॉस्ट लेबर का 9 लाख निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टोटल क्वांटिटी है, ये मैसनरी का टोटल क्यूबिक मीटर 1000 क्यूबिक मीटर है हमारा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट को क्यूबिक मीटर से डिवाइड कर देंगे, टोटल क्यूबिक मीटर जो क्वांटिटी है, ये हमारा 1 क्यूबिक मीटर का कॉस्ट निकल के आ गया 907, ये 1 क्यूबिक मीटर का। ठीक है, ब्लॉक मैसनरी का 1 क्यूबिक मीटर का। अब 1 क्यूबिक फीट का निकालेंगे तो कैसे निकल के आएगा, देखो ये हमारा निकल गया सेम जैसे हमने पहले बताया, डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। ये टोटल मैन पावर आ गई, ये कोफिशियंट निकल गया, हमने कोफिशियंट पुट कर दिया। ये हमारा लेबर है, लेबर रेट है, लेबर रेट का कॉस्ट है कि मैसन का 800 रुपए है, मेल कुली फीमेल कुली वाटरमैन का 500 रुपए है, इससे हमने मल्टीपल कर दिया। फिर 1 क्यूबिक मीटर के अंदर में मैसन का जो कॉस्ट लग रहा है वो 468 रुपए लग रहा है, 205 205 ये मेल फीमेल का लग रहा है, वाटरमैन का ही लग रहा है, टोटल ऐड कर दिया हमने तो 902 रुपए, जैसे ही आया वैसे ही आया। अब हम ये 1 क्यूबिक मीटर का है, 1 क्यूबिक मीटर का ये हमने क्यूबिक फिट का निकालना है, तो 35.28 ये हमारा क्यूबिक फिट है, इसको हम डिवाइड कर देंगे, जो हमारा अमाउंट है इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो 25.55 यानी 25.55 रुपए पर क्यूबिक फिट का कॉस्ट निकल के आ गया। ये हमारा पर क्यूबिक फिट का है, ये पर क्यूबिक मीटर का है ये। ठीक है, तो ये निकल के आ गया हमारा पर क्यूबिक फिट का, निकल के हमारा 25 26 आ गया, राउंड ऑफ करेंगे 25.5 निकल गया। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो में आपको देखता रहूंगा, इस सीरीज में बने रहना, आप बिल्कुल कहीं जाना मत। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। ये सीरीज बहुत लंबी जाने वाली है, आप बने रहना इस मेरे चैनल पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।